तो हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई अगर आप भी एक पुरानी बाइक या कार लेने की सोच रहे हैं तो उस गाड़ी पर लोन है कि नहीं, तो हम ये कैसे पता करेंगे। क्योंकि भाई बहुत से लोग कार या बाइक ले लेते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि इस गाड़ी पर लोन है कि नहीं, तो उनके साथ ये स्कैम हो जाता है। उन्हें नहीं पता होता इस गाड़ी पर पहले से लोन है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि पुरानी गाड़ी पर लोन है कि नहीं, कैसे हम पता करें। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमारे पास है डैटसन की गो प्लस गाड़ी, और अब मैं आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी पर लोन है कि नहीं, ये हम कैसे पता करेंगे। मान लो कोई पर्सन मेरी गाड़ी ले रहा है तो उसे कैसे पता चलेगा कि मेरी गाड़ी पर लोन है कि नहीं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी का नंबर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस गाड़ी का नंबर UK 06 AF 8679, जो कि मेरी गाड़ी है। मैं आपको अपनी गाड़ी पर दिखाने वाला हूँ कि मेरी गाड़ी पर लोन है कि नहीं, ये हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई जैसा कि मैंने आप सबको अपनी गाड़ी का नंबर दिखा दिया है UK 06 AF 8679, तो इस कार पर लोन है कि नहीं ये हम कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना होगा, जो कि मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं प्ले स्टोर खोल लेता हूँ। यहाँ पे आपको सर्च करना है भाई कार इन्फो, ठीक है, कार इन्फो करके आपको सर्च करना है। ये मैंने कार लिखा, उसके बाद इन्फो लिखेंगे, ये ऊपर ही आ रहा है, इस पर आपको सर्च कर देना है। ये नीचे वाला ऐप है कार इन्फो, और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ भाई। ये देखो, यहाँ पे आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं भाई 4.6, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.6 है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 मिलियन से ऊपर इसके डाउनलोडर हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ ये ऐप, और काफ़ी अच्छी ऐप है। तो यहाँ से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो भाई ऐप हमारी ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर ये देख रहे हैं ऑप्शन व्हीकल सर्च, ठीक है, यहाँ पर आपको खोलना ही है और यहाँ पर ओके करना है। तो यहाँ पे आपको गाड़ी का नंबर डालना है, जैसा कि मैं अपना नंबर डाल देता हूँ UK 06, और उसके बाद आपको क्या डालना है AF, बिना स्पेस दिए आपको डालना है 8679, ठीक है, एक मिनट, 8679, ठीक है, गलत हो गया, 8679 ये आ गया नीचे मेरा, मैंने इसमें सर्च किया था पहले तो ये ऑलरेडी आ गया। ठीक है, तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है तो इस वजह से देर लग रही है थोड़ी सी। इसके बाद भाई थोड़ा सा आपको ये ऐड वगैरह आया था है, इसे जो स्किप कर देना यहाँ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारी डिटेल आ जाती है। यहाँ पे ये देखिए, मेरा इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि मैंने अभी इसी महीने एक्सपायर हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोइन लिखकर आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डैटसन गो प्लस गाड़ी का नाम लिखकर आ रहा है। अब आपको मैं आपको नीचे लेकर चलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंश्योरेंस अभी एक्सपायर हुआ नहीं है, एक्सपायर होने वाला है। ये आप देख सकते हैं 29 अगस्त 2023 को एक्सपायर होगा, मतलब इसी महीने में मेरा इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाला है। ठीक है, इसके बाद आप इसमें चालान वगैरह भी चेक कर सकते हैं, चालान है कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनरशिप डिटेल्स, ठीक है, यहाँ से आप ओनर की डिटेल देख सकते हैं, मोइन ये मेरा नाम है और थर्ड ओनर है गाड़ी का, 2015 मॉडल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर आ रहा है, ये देखिए ओनरशिप डिटेल में आता है, ये देखिए फाइनेंसर नेम महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो मैंने इस पर फाइनेंस करा रखा है महिंद्रा एंड महिंद्रा से, तो इस पर महिंद्रा फाइनेंस से मैंने फाइनेंस करा रखा है ऑलरेडी, तो इसलिए यहाँ पर ये नाम लिख कर आ रहा है महिंद्रा फाइनेंस। तो जैसा कि आप सबने देखा भाई, नीचे लिखकर आ रहा था फाइनेंसर नेम महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो मैंने महिंद्रा फाइनेंस से इस पे ऑलरेडी फाइनेंस कराया हुआ है, कई बार मैं फाइनेंस करा चुका हूं, तो मैं फाइनेंस इस पे कराता रहता हूं। और आपको इसी तरीके से चेक करना है, और फाइनेंसर कई हो सकते हैं, महिंद्रा भी हो सकता है, श्रीराम है, और कई कंपनी है फाइनेंसर की। तो फाइनेंसर नेम अगर नीचे लिखकर आ रहा है कुछ भी, श्रीराम या महिंद्रा फाइनेंस, कोई भी कंपनी है, अगर फाइनेंस नेम लिखकर आ रहा है तो समझ लीजिए भाई उस गाड़ी पर फाइनेंस है, तो आपको भाई वो गाड़ी नहीं लेनी है। पहले तो आपको ये पता करना होगा कि उस गाड़ी पर फाइनेंस है कितना कितना नहीं है, तो भाई उस गाड़ी को पहले ही आपको चेक कर लेना है कि उस गाड़ी पर फाइनेंस है कि नहीं। ठीक है, अगर कुछ भी नाम नहीं लिख कर आ रहा है, कोई कंपनी का नाम नहीं आ रहा है या फाइनेंसर नेम नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए भाई उस गाड़ी पर फाइनेंस नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड, टेक केयर, बाय बाय।